हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी एकदम देसी स्टाइल गोभी की सब्ज़ी की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही ईजी है, तो चलिए फिर बनाते हैं इस मज़ेदार टेस्टी टेस्टी रेसिपी को। और सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिए जी मैंने गोभी। गोभी को मैंने अच्छे से धो के रख लिया हुआ था। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ जी कुछ टमाटर। ये मैंने 3 टमाटर लिए हुए हैं। मैं इसकी प्यूरी आज यूज़ नहीं करूँगी, ऐसे हम छोटे छोटे काट के डालेंगे। और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ जी अदरक को। ये मैंने अदरक को भी ऐसे कूट लिया हुआ है दरदरा। और इसमें हम आज प्याज का और लहसुन का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसे। मैं इसे मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। मैंने इसमें अदरक को डाल दिया हुआ है। अब हम पहले अदरक को अच्छे से भून लेंगे और बस थोड़ी देर पहले हम इसे भून लेते हैं अदरक को। और इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी जी आधा चम्मच जीरे का। तो आप इसमें जीरा भी ऐड कर दें थोड़ा सा। अदरक का फ्लेवर गोभी में ना बहुत अच्छा आता है और मैं हमेशा अदरक ही डालती हूँ गोभी में। मैं लहसुन और प्याज का यूज़ बिल्कुल नहीं करती हूँ। और इसके साथ देखिए अदरक हमारी अच्छे से हो गई है। अब हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देते हैं और ये डाल दिए जी हमने टमाटर भी। अब हम इसे ऐसे थोड़ी देर पहले भून लेते हैं और इसके बाद हम जी ऐड कर देते हैं नमक को। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डाल दें। इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ जी थोड़ी सी हल्दी और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ जी लाल मिर्च को। आप अदरक और हरी मिर्च भी इकट्ठा पीस के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हरी मिर्च ऐड नहीं की है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे थोड़ी देर हम कवर कर देंगे, उसे टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं और ये देखें जी टमाटर हमारे कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस थोड़ी देर अब हम इसे ऐसे ही पका लेते हैं और टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और इसके साथ ही अब हम गोभी को भी ऐड कर देते हैं। और ये डाल दीजिए हमने गोभी भी। अब हम इसे ऐसे ही पहले थोड़ी देर अच्छे से भून लेते हैं। गोभी को हमने अच्छे से भून लिया है। इसके साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ जी थोड़ा सा गरम मसाला। आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखें जी हमारी गोभी अच्छे से हो गई है, बट अभी पूरी तरह से गली नहीं है। तो इसके लिए आप चाहे तो ऐसे ही कवर करके रख सकते हैं, नहीं तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड करें। क्योंकि मसाला ड्राई हो चुका है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। बस आधा गिलास आप पानी का ऐड कर दें और इसे अब थोड़ी देर हम कवर करके पकाएंगे। और इसे क्या होगा, गोभी भी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। बाकी ग्रेवी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसमें थोड़ा ही पानी ऐड करें। तो ये अब हम इसे थोड़ी देर कवर करके रख लेते हैं। और अब हमने इसे खोल के चेक कर लिया है, गोभी भी हमारी अच्छे से गल चुकी है। तो गोभी तो हमारी होगी जी एकदम रेडी। लास्ट में इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया ऐड कर देते हैं और ये डाल दिया जी मैंने इसके ऊपर धनिया। और अब हम इसे थोड़ी देर कवर करके रख देंगे। कवर करने से क्या होता है, जितना भी धनिया का फ्लेवर है ना, सारा सब्ज़ी में आ जाता है। तो ये डाल दिए जी मैंने धनिया और अब हम इसे थोड़ी देर कवर करके रख देते हैं। गोभी होगी जी एकदम रेडी खाने के लिए। सच में इतनी टेस्टी बनती है ना, आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। तो करते हैं अब हम इसे डिश आउट। और ये हमारी देसी स्टाइल गोभी की सब्ज़ी होगी जी एकदम रेडी खाने के लिए। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ
जैसे खाना चाहें आप इसे खा सकते हैं। और बनती भी बहुत टेस्टी है और फटाफट बन भी जाती है। तो चलिए फिर आप भी इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और लास्ट में थोड़ा सा धनिया हम इसमें और ऐड कर देते हैं और ये हमारी मज़ेदार टेस्टी टेस्टी देसी स्टाइल गोभी होगी जी, एकदम रेडी खाने के लिए। तो आप भी इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करके मुझे बताना आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।